G20 रा सफलता कौनसी व्यक्ति कि दलर नुहे समग्र जातिर बोली आज नुआ संसद भवन में आरंभ होता अधिवेशन में उद्बोधन देवाबेले प्रधानमंत्री मोदी कहते संसदर 75 वर्षर यात्रा को स्मरण कर अग्रसर होबार समय आसी स्वाधीनता पूर्व पुराणा संसद थिला साम्राज्यवाद विधान परिषद स्वाधीनता परे एहा संसद भवन मान्यता पाइला एक सत जे विदेशी शासकों निष्पत्ति क्रमे एही संसद भवन निर्माण करा जायथिला किंतु एथिरे आम देशवासी श्रम एवं अर्थ विनियोग होइथिला बोली आमे गर्वर सहित कही पारिबा आमे नुआ संसद भवन को आसी थाई पारंती किंतु पुराणा संसद भवन आगामी पीढ़ी को प्रेरित करुथिबो बोली प्रधानमंत्री कहिछन्ते भारत में संसदीय गणतंत्र मूल सुदृढ़ करिपारे महिला सांसदों अवदान कथा भी प्रधानमंत्री कहते से कहते एपर्यंत प्राय 7500 रु अधिक सदस्य उभय सदन प्रति अवदान देते प्राय 600 महिला उभय सदनर मर्यादा वृद्धि करते पुराणा संसद भवन स्मृति सेयार करने लगे प्रधानमंत्री मोदी समस्त सांसद को अनुरोध कर आदरणीय अध्यक्ष जी ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है भारत के सामान्य मानवीय की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि देश मुझे इतना सम्मान देगा इतना आशीर्वाद देगा इतना प्यार देगा सोचा नहीं था। समानता ये सदन भी सात 7500 जनप्रतिनिधियों के द्वारा बार बार जो शब्द गूंजे हैं जो वाणी यहां गूंजी है उसने इस सदन में हम बैठकर आगे चर्चा करें या ना करें लेकिन इसकी गूंज इसे तीर्थ क्षेत्र बना देती है। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में सरकारें आएगी जाएगी पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी लेकिन ये देश रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी प्रारंभ से अब तक एक मोटा मोटा हिसाब लगाता था करीब करीब 7500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं इतने सालों में 7500 से करीब करीब ज्यादा। और आदरणीय अध्यक्ष जी ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि 25 साल की उम्र की चंद्रमणि मुर्मू इस सदन की सदस्य बनी थी। सिर्फ 25 साल की उम्र की सबसे छोटी उम्र की सदस्य बनी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी लोकतंत्र का ये सदन आतंकी हमला हुआ पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। ये देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली
आज मैं उनको भी नमन करता हूं। जब आज हम इस सदन को छोड़ रहे हैं तब मैं उन पत्रकार मित्रों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने जीवन में, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपने कार्यकाल में संसद के काम को ही उन्होंने रिपोर्ट किया है। और मैंने देखा कि ऐसे पत्रकारिता जिन्होंने संसद को कवर किया, शायद उनके नाम जाने नहीं जाते होंगे, लेकिन उनके काम को कोई भूल नहीं सकता है। और खबरों को लिए नहीं, भारत की इस विकास यात्रा को संसद भवन से समझने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति खपा दी थी। आज भी पुराने जो पत्रकार मित्र मिल जाते हैं और जिन्होंने कभी संसद को कवर किया हो, तो ऐसी अननोन चीजें बताते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी होती, कान से सुनी होती है, जो अचरज करने वाली होती है। अरे एक प्रकार से जैसी ताकत यहां की दीवारों की रही है, वैसा ही दर्पण उनकी कलम में रहा है। और उस कलम ने देश के अंदर संसद के प्रति, संसद सदस्यों के प्रति एक अहोभाव का भाव जगाया है।